तो जय हिंद साथियों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल SP23 अनिल आर्मी रेडर। तहे दिल से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल के ऊपर आप सभी लोगों का। दोस्तों तो आज फिर मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ दोस्तों, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आया हूँ दोस्तों आज आप लोगों के सामने। उससे पहले मैं दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लें, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके दोस्तों। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ दोस्तों कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स की, जो रनिंग टेक्निक्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करके क्या है एक जो मेरा लक्ष्य है उसको हासिल कर सकता हूँ। अगर आप भी इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं दोस्तों और आप भी इंडियन आर्मी में आना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, जो कि आपको आपकी रनिंग में कुछ मददगार साबित हो सकती हैं दोस्तों। तो ये टिप्स दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी आप लोगों को बताते होंगे, बट मैं जो रियलिटी है, रियलिटी जो लाइफ का रियल फैक्ट है, जो मैंने मेरे साथ जो फैक्ट हुआ है वही फैक्ट मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूंगा दोस्तों। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ऐसी कोई चार टिप्स हैं या कोई ऐसी चार टेक्निक हैं, ऐसी कोई पांच टेक्निक है या कोई ऐसी 10 टेक्निक है जिससे आप क्या आपकी रनिंग अच्छी हो सकती है दोस्तों, बट मैं ऐसी कुछ टेक्निक्स जरूर आपको बता सकता हूं जिससे आपकी रनिंग जरूर सुधर सकती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ यही चीजें क्या शेयर करने वाला हूं दोस्तों आज। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अपनी 1600 मीटर रनिंग की दोस्तों, जो कि अमूमन हम भर्ती के लिए देखते हैं दोस्तों। तो हम में से हर किसी न किसी एक युवा का ये सपना होता है कि मैं भी इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाऊं और मैं भी अपने देश की रक्षा कर पाऊं दोस्तों। तो मैक्सिमम लोग होते हैं जो अपने देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए सेना में आना चाहते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है दोस्तों जो अपनी मातृभूमि के लिए, जो अपना सब कुछ क्या बलिदान देने के लिए तैयार है दोस्तों। तो दोस्तों वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें, और जो और ज़्यादा और लोग भी जो अपने इस कर्तव्य के लिए यहाँ तक आ सकते हैं दोस्तों, तो उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इंडियन आर्मी में आना है तो आपको अपना लक्ष्य एकदम सही और सही डायरेक्शन में रखना होगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपका डायरेक्शन सही है तो आपको दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो इंडियन आर्मी में आने से रोक सके दोस्तों। अगर आपका जज्बा, आपका जुनून अगर इंडियन में आर्मी में आने के लिए तत्पर है दोस्तों, तो आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। इंडियन आर्मी आपके लिए ही बनी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कुछ रनिंग की टिप्स के ऊपर। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम 1600 मीटर रनिंग के ऊपर दोस्तों, जो कि चार राउंड्स होते हैं, जो कि हम 400 मीटर के चार राउंड लगाने पड़ते हैं दोस्तों। तो अगर उन राउंड्स की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे होते हैं दोस्तों, तो वहां पर जब हम रैली में जाते हैं तो वहां पर इतनी सारी भीड़ हो जाती है कि हमको वहां पर खड़ा होने के लिए कभी कभी बहुत पीछे खड़ा होना पड़ता है दोस्तों, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम दूसरे पर्सन से क्या होता है वहां पर हमारे कुछ टाइमिंग का गैप आ जाता है दोस्तों। लेकिन हमें जिंदगी में कभी हार नहीं माननी दोस्तों, ये हमारे माता पिता ने, हमारे गुरु ने हमेशा यही सिखाया है कि जिंदगी में कभी कभी क्या करना है, हमें हार नहीं माननी है, हमें हमेशा ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन हमेशा हमें हमेशा मेहनत करनी है, और जितना वर्क हार्ड करूंगा दोस्तों उतना ही ज्यादा मुझे अपनी जिंदगी के अंदर क्या है सफलता हासिल होगी दोस्तों। अगर आप भी सफलता पाना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर दोस्तों, तो आप अपनी मेहनत को करना कभी ना छोड़ें, हमेशा अपनी मेहनत को हमेशा करते रहे दोस्तों। कंसिस्टेंसी जब आपके दिमाग में एकदम कंसिस्टेंसी जब आप बना लोग अपनी लाइफ के अंदर किसी भी चीज की, तो उस कंसिस्टेंसी के कारण आप कभी भी उस जगह मार नहीं खा सकते हो दोस्तों। ये एक फैक्ट है दोस्तों कि अगर जिस चीज के ऊपर आपने दिल से मेहनत की है, उस पे पूरा जान लगा के मेहनत की है, तो दुनिया की ऐसी कोई कायनात नहीं है जो आपको वहां जाने से रोक सके दोस्तों। तो दोस्तों इस बात का पक्का ध्यान रखें आप दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कुछ जानकारियां ऐसी हो जो जानकारी आप यहां पर मिस कर दो दोस्तों, क्योंकि मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है, जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है दोस्तों 17 साल की सर्विस के अंदर आर्मी के अंदर, वो सब मैं वीडियोज आप लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर लेके आऊंगा दोस्तों, और आपको अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा कि सेना के अंदर जो आर्मी के अंदर है क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे इंडियन आर्मी की लाइफ है। मैं हर चीज बात आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा दोस्तों, जो मैंने 17 साल के एक्सपीरियंस में सीखा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर यहाँ पर जो भर्तियाँ होती हैं बहुत ही टाइप की भर्तियाँ होती हैं, GD सोल्जर, GD टेक्निकल, एंड जो ट्रेड्स होते हैं, जब हमें जो ट्रेड्स दिए क्लर्क वगैरह जो भी ट्रेड्स वगैरह हमें दिए जाते हैं, वो आफ्टर हमको क्या है जब बेसिक ट्रेनिंग हो जाती है, जब एडवांस ट्रेनिंग होती है तब दिए जाते हैं। चलो वो बातें हम बाद में करेंगे दोस्तों, वो भी वीडियोज़ में आपको लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस रनिंग सर्कल का एक टिप्स मैं कुछ बता दूँ दोस्तों आपको, कि जब जब भी आप रनिंग करते हो दोस्तों, तो अपने दिमाग में एक लक्ष्य रखना हमेशा 1600 मीटर
और 4.5 मिनट दोस्तों, 4.5 मिनट में आपको लर्निंग करनी करनी है दोस्तों। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन 4.5 मिनट का आपको लक्ष्य है पक्का अपनी लाइफ के अंदर रखना है दोस्तों। तो 4 मिनट 30 सेकंड का लक्ष्य आपकी लाइफ के अंदर होना चाहिए 1600 मीटर के लिए दोस्तों। अगर दोस्तों आपका लक्ष्य अगर एकदम सही है, अगर तो आपको कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों 1600 मीटर में 4.5 मिनट में आने से रोक दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आगे कि हमें अभी जो रनिंग करते हैं तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे फर्स्टली मैं एक पहली बात बोलना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी हम रनिंग करते हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले अगर मैं फ्लैट फुट से दौड़ रहा हूं तो मुझे कभी फ्लैट फुट पे नहीं दौड़ना दोस्तों। आप फ्लैट फुट पे दौड़ोगे आप रनिंग नहीं कर पाओगे दोस्तों, कभी भी नहीं कर पाओगे। चाहे आप मुझसे लिख के ले लो दोस्तों, आप नहीं आ सकते टाइमिंग के अंदर। आपको हमेशा पंजे के ऊपर रनिंग करनी है जब भी आप रनिंग करोगे, हमेशा पंजे। अगर आप फ्लैट फुट से रनिंग करोगे तो आपके फ्रैक्चर भी आ सकता है दोस्तों पैर के अंदर। इस बात का आप खास विशेष ध्यान रखें दोस्तों। और सेकेंडली एक मेन पॉइंट और बताऊं, कभी भी आपको कभी पैर पटक के नहीं रनिंग करनी है, कभी भी पैर पटक के रनिंग नहीं करनी। अगर पैर पटक के रनिंग करोगे दोस्तों तो आपके लिए ये घातक साबित हो सकता है दोस्तों। दोस्तों आपने हमेशा जब भी रनिंग करनी है बिल्कुल एक अच्छे शूज पहन के रनिंग करनी है। सबसे सेकेंडली बात करूं, जब भी आप शूज पहनोगे तो अच्छी कंपनी का शूज पहनो दोस्तों, चाहे वो रिबॉक का हो चाहे पूमा का हो। मैं किसी कंपनी को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो आपको लगता है आपके लिए पैर के लिए सही है आप उसी क्या यहाँ पर क्या शूज का इस्तेमाल करें दोस्तों। थर्डली बात करूं दोस्तों कि आप जब भी रनिंग करते हो तो आपके हाथ भी साथ साथ में स्विंग होने चाहिए वहां पर जब आप रनिंग कर रहे हो रनिंग के साथ, क्योंकि ये जो हाथ का जो मूवमेंट होता है दोस्तों यही आपको क्या है रनिंग को फास्ट करवाता है वहां पर। अगर आप हाथ का मूवमेंट नहीं सही करेंगे दोस्तों तो दोस्तों आई थिंक आपको रनिंग में थोड़ा सा वहां दिक्कत आएगा दोस्तों। सेकेंडली दोस्तों बात करूं अपने पोस्चर की, आपको कभी पोस्चर को पीछे दौड़ कभी करके नहीं दौड़ना है दोस्तों। हमेशा अपना पोस्चर बॉडी को ढीला छोड़ना है और हमेशा झुका के रखना अपनी बॉडी को आगे की तरफ, ताकि आपको रनिंग करने में क्या आसानी हो दोस्तों वहां पर। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको रनिंग के अंदर, कि आपको कभी भी पीछे होकर नहीं दौड़ना है कभी भी, हमेशा आपको अपने शरीर को झुका के ही दौड़ना है दोस्तों। ये टिप्स बहुत ही जानकार आपके लिए अच्छी मददगार साबित हो सकती है दोस्तों। बात करूं नेक्स्ट दोस्तों, जब भी आप सांस लेते हो, सांस आप हमेशा कभी मुंह से सांस मत लीजिए दोस्तों। यहां हमेशा हमेशा अपनी नाक से सांस लो और नाक से ही छोड़ो दोस्तों वहां पर सांस को। अगर आप ये सारी टेक्निक्स को अगर ध्यान से अगर दोस्तों ये सब करोगे तो आपकी रनिंग में जरूर जो इंप्रूवमेंट आएगा दोस्तों। चाहे आप इसी चीज जो चीजें मैंने आपको बताई है, इन चीजों को अगर आप ना कंसिस्टेंसी बनाओगे, कंसिस्टेंसी इसके ऊपर 1 महीना तक अगर आपने वर्क कर लिया तो आपकी रनिंग में सुधार जरूर आएगा दोस्तों, अवश्य आएगा। इसको आप अजमा के देख लेना चाहे दोस्तों। बात करूं दोस्तों और आपका लक्ष्य कि मुझे जब मैं वहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पे होता हूं दोस्तों, जब जैसे ही मैं अपने ट्रैकिंग उस पे होता हूं तो उस ट्रैकिंग के ऊपर मुझे सबसे पहले क्या करना है, जब भी मुझे फर्स्ट में रनिंग करनी है दोस्तों तो कभी भी मुझे दूसरों को देखकर वहां पर फास्ट नहीं दौड़ना है दोस्तों। आपने जिस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस की है दोस्तों उसी प्रैक्टिस के हिसाब से आपने दौड़ना है दोस्तों। क्यों, उसका एक रीजन है दोस्तों। अगर दूसरे को देख के आप दौड़ोगे दोस्तों तो आप 2 राउंड के में ही थक के दोस्तों बेहाल हो जाओगे दोस्तों। वहां पर आपको रनिंग किस तरीके से करनी है, जिस जैसी आपने वहां पर प्रैक्टिस किया दोस्तों। स्टार्टिंग में आपने अपने सबसे पहले आपने क्या करना है, हमेशा रनिंग करने से पहले आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को शुरू करनी है। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे दोस्तों कि क्या करना है, जब हमारा शरीर कैसे खुलता है दोस्तों, है ना। शरीर खुलने का मतलब क्या है कि हमारे जो मांसपेशियां हैं उनमें जब तक अगर हम अपनी मांसपेशियों को स्ट्रेचेबल नहीं करेंगे दोस्तों तो वहां पर हमें क्या है दिक्कत आ सकती है, आपकी नस में पेन हो सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी को वार्म अप करना है, उसके बाद दोस्तों एक्सरसाइज करके आपने तब आपने दोस्तों क्या करना है रनिंग के लिए रेडी होना है दोस्तों। तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट रनिंग से पहले वार्म अप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर आप ये चीज कर लिए तो आपको रनिंग में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। वार्म अप होने के बाद दोस्तों जब भी आप अपने फर्स्ट राउंड को शुरू करते हो तो आपको नॉर्मल स्टेप के साथ ही अपने जिस हिसाब से आप स्टेप ले रहे हो ब्रीथिंग को भी अपने उसी हिसाब से छोड़ लेना है दोस्तों। जी, एक ब्रीथिंग पे एक स्टेप, 2 ब्रीथिंग पे 2 स्टेप, 3री ब्रीथिंग पे 3रा स्टेप, 4थी ऐसे ब्रीथिंग जब जिस हिसाब से आपकी चलती है उसी हिसाब से अपने स्टेप भी लेने हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है रनिंग के ऊपर। तो आपको ध्यान से इन चीजों को सुनना है दोस्तों कि आपको क्या क्या फायदा दे सकती हैं ये चीजें दोस्तों। ये तो बात हो गई दोस्तों रनिंग के ऊपर कि कैसे आपको रनिंग करनी है। तो फर्स्ट में राउंड में आपको बता दिया कि फर्स्ट राउंड में आपको कैसे रनिंग, सेकेंड राउंड में उस स्पीड को अपने थोड़ा सा और बढ़ाना है दोस्तों, अपने स्टेप को थोड़ा सा इंक्रीज करना है।
थर्ड राउंड में और स्टेप को थोड़ा इंक्रीज करना है, और फोर्थ राउंड में जब आपको लगता है कि अब मैं इस लास्ट राउंड को पूरी ताकत के साथ और मैं इसको कवर कर सकता हूं, तो आपको पूरी ताकत के साथ लास्ट वाले राउंड को पूरा दौड़ना है दोस्तों, ताकि दोस्तों कि आप कहीं किसी से पीछे ना रहें दोस्तों। अगर दोस्तों ये सारी चीज़ें आपने स्टेप फॉलो कर लिए तो आप 1600 मीटर रनिंग 4.5 मिनट में ज़रूर कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की रनिंग टिप्स की कुछ जानकारियाँ, और कुछ ऐसी ही जानकारियाँ मैं और लेके आता रहूँगा दोस्तों आप लोगों के लिए आगे। और भी मैं बताऊँगा कि आपको पुशअप्स कैसे लगाने हैं, आपको स्ट्रेचअप कैसे करना है, आपको क्या कहते हैं वो बीम्स कैसे लगाने हैं दोस्तों। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे करना है, कैसे नहीं, सब हर एक चीज़ की टेक्निक आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और भी लोगों के साथ इस जानकारी को शेयर करें ताकि और भी युवा भाई हैं उन तक ये जानकारी पहुँच सके और वो भी यहाँ से कुछ क्या है नॉलेज ले पाएँ दोस्तों कि रनिंग अबाउट मुझे कैसे टिप्स कैसे क्वालिफाई करना है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर अपने वीडियो के अंदर आपके लोगों के साथ शेयर की दोस्तों। और दोस्तों एक लाइक तो जरूर बनता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।